आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के में छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, वहीं कई सालों से जेएनयू छात्र संघ पर काबिज आयसा को टक्कर देने के लिए कुछ छात्र संगठनों ने मोर्चा बनाया है। चुनाव प्रचार को लेकर हफ्तों से जारी सरगर्मी के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई। शुक्रवार को डीयू में वोटिंग प्रक्रिया सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई, जो दोपहर 12:30 बजे तक चली, जबकि विश्वविद्यालय के इवनिंग कॉलेजों में 3:00 बजे से 7:00 बजे तक मतदान हुआ। यहाँ छात्र संघ के 4 पदों के लिए 28 उम्मीदवार मैदान में है। अध्यक्ष पद के लिए 7, जबकि सचिव पद के लिए सबसे ज्यादा 8 छात्र अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उम्मीदवारों में 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम को खत्म कराने का शेयर लेने की होड़ मची रही। कैंटीन में सस्ता खाना और सुरक्षा का मुद्दा भी छाया रहा। लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो जो कैंडिडेट इंटर्नशिप्स के लिए, दोज हु आर गोइंग टू डू समथिंग, माय प्रेफरेंस इज दोज कैंडिडेट्स। कई ऐसी हैं हमारे जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डूसू लेवल पे कंटेस्ट कर रहे हैं, उन पे हमने अपना वोट कास्ट किया है। उधर तीखे बहस के जरिए छात्र संघ पदाधिकारियों के चुनाव के लिए मशहूर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में भी भारी उत्साह के बीच मतदान हुआ। फिलहाल यहां छात्र संघ की 4 सीटों पर वामपंथी संगठन आयसा का कब्जा है। एसआईएसएफ, डीएसएफ और एसएफआई जैसे संगठनों ने प्रगतिशील वामपंथी मोर्चा बनाकर आयसा को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है। वहीं एबीवीपी और एनएसयूआई भी अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि जीत उनकी होगी। वो एबीवीपी के साथ में गठबंधन करेंगे, किसके साथ में सीट एक्सचेंज करेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें अपने काम पे भरोसा है, अच्छे से काम किया, सिंसियरली इलेक्शन लड़ेंगे। यूनिटी के लिए वोट करें, स्टूडेंट जेंडर जस्टिस के लिए वोट करें, सोशल जस्टिस के लिए वोट करें, सेक्सुअल हरासमेंट में जो फंसे हुए ऑफिस बेरर से उनके अगेंस्ट वोट करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए पड़े वोटों की गिनती शनिवार सुबह से शुरू हो जाएगी और दोपहर तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि जेएनयू छात्र संघ चुनाव के परिणाम सोमवार को आएंगे। राष्ट्रीय राजनीति का रास्ता छात्र संघ चुनाव से ही तय होता है और इसीलिए इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी छात्र संगठन पूरी ताकत झोंक चुके हैं। इन सबकी किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तो किसकी किस्मत कितनी चमकती है। रवि सिंह के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7।